शराब घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की टीम ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार को मेडिकल करवाने के बाद दिल्ली राउज एवेन्यू में सीबीआई जज एम के नागपाल की कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने पाए और जांच एजेंसी को पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग भी नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई इस मामले में कई सबूतों और गवाहों के मद्देनजर बयानों के बारे में मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी। 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सबूतों के आधार पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सीबीआई ने सिसोदिया को कई सबूत दिखाए, इसमें डिजिटल सबूत और दस्तावेज भी शामिल थे। सिसोदिया इन सबूतों के सामने कोई जवाब नहीं दे पाए और इस लंबी फेरिस्त सवालों की जो कि उनके सामने दागी गई उस पर वो मौन रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं था जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। वही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट का निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है, लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे, इससे हमारे हौसले और अधिक बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा, ये बड़ी बात सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही है। वहीं इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट का निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। अपने एक नेक इंसान को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया मोदी जी, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने निशाने में आड़े हाथों लिया है। वही दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया है और तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन ये आसमान सब आप ही का तो है। वही थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अलका लांबा जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी गिरफ्तारी की है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस तरह से ले रही है इस खबर को आप? देर आए दुरुस्त आए, ये तो होना ही था। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन 8-9 महीने से तिहाड़ जेल के अंदर है, ईडी ने बिठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कट्टर ईमानदार मंत्री को बाहर नहीं ला पा रहे। अब ये दूसरा विकेट गिरा है। बात हो रही है शराब नीति की, जवाब मिल रहा है इनके प्रवक्ताओं से शिक्षा नीति। 8 घंटे सीबीआई ने पूछताछ जो की मनीष सिसोदिया जी से, सवाल शराब नीति पर थे, जवाब शिक्षा नीति पर दे रहे थे, जेल तो जाना ही था। आपने यहाँ पर शराब की राजधानी बनाई, शराब की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी, लाइसेंस फीस जो खजाने में सरकारी आने थे माफ कर दी। तेलंगाना में जाकर अपना गठबंधन की आड़ में पगबंधन चल रहा था। मनीष सिसोदिया जी, आपने शराब नीति इतनी ईमानदार थी, इतनी मुनाफे वाली थी, तो एक ही सवाल पूरी दिल्ली पूछ रही है, आपने अपनी शराब नीति सीबीआई के तरफ से जांच के आदेश से वापस क्यों ली? जैसे उन्होंने वापस ली, पता लग गया कि यहाँ पर तो पूरी दाल ही काली है। और उसकी जब जांच हुई तो अब तो इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी करते हुए दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कहूंगी, हवाला में आपका एक मंत्री अंदर हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग में और अपना फर्जी कंपनियों में, दूसरा मंत्री आपका शराब नीति में अंदर हुआ है,
ये वही शिक्षा की जो बात कर रहे हैं आज, कह रहे थे नोट पर भगवान की तस्वीर बदल दीजिए, जितना रुपया जो है वो उठ जाएगा, और लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अलका जी, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी, आम आदमी पार्टी का पक्ष ये था कि जानबूझकर ये किया जा रहा है, भाजपा का ये पक्ष है भाजपा जानबूझकर इन पर शिकंजा कसना चाहती है, सरकार दबाव बनाना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, भाजपा को तो ये फायदा करने के लिए जाते हैं हर राज्यों में, जहां जहां भाजपा हारती है वहां पर भाजपा के खिलाफ वोट को बांट के जिताने का काम करते हैं। आप उत्तराखंड देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, तो ये तो भाजपा की बी टीम है, और बिल्कुल यही भाजपा के कहने पर रामलीला मैदान में कांग्रेस के ऊपर पूरा आंदोलन कर दिया था इन्होंने। कोई भी 9 साल में एक भी आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, पूरे कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री साबित नहीं कर पाए, ना कोई जेल में है। आज अगर कोई जेल में है तो ठग मंत्री इनके जेल में है। 55 घंटे ईडी ने राहुल गांधी जी से पूछताछ की थी, 55 घंटे। अलका जी, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी अभी रायपुर में ही कहा था, ये बड़ी बात उन्होंने कही थी कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? शायद हमारा संपर्क टूट गया, और क्यों आखिर शराब नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फिक्स कर दिया गया, बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाने के आरोप सीधे तौर पर लगे हैं। शराब सरकारी दुकानें नहीं, केवल निजी दुकानों पर ही बेची जाएंगी और बेचा जाएगा। शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे, पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खोली गई और चर्चाएं भी बढ़ी, क्योंकि लगातार खुले में शराब के को परोसने की बात सामने आई। सीबीआई ने आखिर किस तरह से शिकंजा कसा, इसकी भी हम आपको जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे हैं। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई एफआईआर में सिसोदिया आरोपी नंबर 1 घोषित किए गए। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा, जिसके बाद 30 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगाले गए, जानकारी एकत्रित की गई, और 17 अक्टूबर 2022 को मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की, जानकारी इकट्ठा करी, उनसे सवाल दागे, और उसके बाद 25 नवंबर 2022 को सीबीआई शीट दाखिल की गई। सिसोदिया का नाम इसमें नहीं था, और इसके बाद बड़ी कार्रवाई 15 जनवरी को देखने को मिली, जब मनीष सिसोदिया के दफ्तर से सीबीआई ने कंप्यूटर जब्त किया, और उनका कंप्यूटर जब्त करने के बाद तमाम जानकारी भी इकट्ठा की गई उससे। 18 फरवरी 2023 को बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन भेजा गया, और 19 फरवरी को सिसोदिया की मांग पर सीबीआई ने थोड़ा उन्हें वक्त दिया, लेकिन आज ये बड़ी कार्रवाई 8 घंटे लंबी पूछताछ की गई, जिसके बाद सीधे तौर पर शिकंजा कस लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे साथ रमेश बिदोड़ी सांसद जुड़ गए हैं न्यूज वन इंडिया पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से नई शराब नीति के पूरे मसले में और शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया चौतरफा फंसे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या माना जाए, आपकी क्या राय इस पर? देखो, प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने 2014 में बोला था कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन हमारी सरकार रहेगी देश में। देश त्रस्त था भ्रष्टाचार से, टू जी स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, जो आज 6 गुना देश का बजट बढ़ गया, वो इसलिए बढ़ गया कि प्रधानमंत्री जी ने करप्शन को खत्म करके और पैसे को जन के हित में, जनता के हित में लगाना शुरू किया था। इन्होंने करप्शन किया है शराब घोटाले में। आप ये मुझे बताइए, जो बार बार ही शोर मचाते हैं आप, ये विपक्ष, विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपके कहने से पहले जवाब देना चाहता हूं कि जो कमीशन था शराब माफियाओं का, शराब 2% से 12% क्यों किया जी? आपके रिश्तेदारी उनके स्टिंग हुए, उन्होंने कहा कि आधा पैसा उल्टा गया है। आपने जो लाइसेंस होल्डर्स थे उनका 140 करोड़ रुपया माफ कर दिया, क्या वो बगैर 50-50 लिए किया? आपने जिन फोनों से 45 ऐसे टेलीफोन थे, उन फोनों शराब माफ, शराब लाइसेंसधारी इन बीच में आपकी डील हुआ करती थी, ऐसे 45 टेलीफोन वो डिस्ट्रॉय कर दिए, खत्म कर दिए गए। वो तो क्या आपने 45 टेलीफोन डिस्ट्रॉय कर दिए? बार बार हम पे लॉकअप में कुछ नहीं मिला, हमारे पास एक पैसा कहीं नहीं मिला। तो देखो, देश के अंदर देशवासी त्रस्त थे भ्रष्टाचार से,
आम जनमानस नौजवान त्रस्त था भ्रष्टाचार से, तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एजेंसियों को फ्री हैंड दिया गया था कि करप्शन एंटी करप्शन जो एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली हैं वो खुलकर कार्रवाई करें। तो उसके तहत ये देश में स्थिति लागू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप भी इसका संज्ञान ले जरा। तो इसलिए वो गिरफ्तार होना था, साक्ष्य मिल गए, सारे के सारे सबूत मिल गए, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया उनको। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से भाजपा पर तानाशाही का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, इस पर आपका क्या टेक है? क्या सच में भाजपा सरकारी संस्थाओं का गलत उपयोग कर रही है? मैं पहले आपको जवाब दे चुका हूँ, भाजपा ने एजेंसियों को फ्री हैंड दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, एक एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं, वो एक एक्साइज मिनिस्टर था जी, एक्साइज मिनिस्टर जिन्होंने बगैर किसी लाइसेंस के ध्यान में दिए हुए स्कूलों के सामने बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए वन गेट वन फ्री, नौजवानों को बर्बाद करने के लिए ठेके दे दिए थे, वो किस लालच में दिए थे जी? केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब कोई केजरीवाल का रफूगर नहीं दे पा रहा है। इन्होंने कहा था हम जब सरकार में आएंगे तो मोहल्लों में जाकर जानकारी लेंगे कि कैसी सरकार चले। महिलाएं शोर मचा रही थी हमारे यहाँ ठेका मत खोले, क्या इन्होंने किसी मोहल्ले में पूछा ठेका खुले ना खुले? ये तो केजरीवाल साहब ने कहा था। और दुनिया में सबसे पहले भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी केजरीवाल साहब करते थे, कभी 10 लोगों की कभी 15 लोगों की, जिनमें मैं नाम लेना चाहता, सबसे माफी मांगी इन्होंने। केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे ना कि ये भ्रष्टाचार, रोज लिस्ट जारी किया करते थे, याद करो 2014-13 में आप रोज लिस्ट जारी करते थे, 15 नेताओं की भ्रष्ट की लिस्ट, 20 नेताओं की भ्रष्टाचार की लिस्ट, उसको आप खत्म करने आए, उसी में आप खुद इन्वॉल्व हो गए, तो बताओ गिरफ्तार क्यों नहीं होगी जी आप? क्योंकि रमेश जी, लेकिन ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप जो भाजपा पर लग रहा है वो इसलिए भी लग रहा है क्योंकि बीते दिनों आपने रायपुर में भी कांग्रेस के अधिवेशन से पहले ईडी के छापे मरवाए। सर, आप परेशान कर रहे हैं विपक्ष को, ये आरोप लग रहा है। लोग आरोप वो लगा रहे हैं जिनकी गरीबी आ गई है, जिनके अच्छे दिन चले गए हैं भ्रष्टाचार के, वो आरोप लगा रहे हैं जो करप्ट भ्रष्ट लोग हैं। आप ये बताइए, अगर विपक्ष के लोग ईमानदार हैं तो क्यों घबराते हैं वो? विपक्ष के लोग अगर ईमानदार हैं, उनके घर में काला धन नहीं है, उनके वहां रेड पड़ रही है तो नहीं पड़नी चाहिए क्या? काला धन नहीं निकलना चाहिए क्या? तो इसीलिए वो जो बार बार कहते हैं, जब सबूत मिलते हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, सबूत के आधार पर ही रेड डलती है। पहले भी रेडें डलती थी सीबीआई की, वो रस्म अदाई के लिए डलती थी, आधे आधे हो जाते थे, लोग माफ कर दिए जाते थे, अब वो पैसा सरकारी खजाने में लाया जा रहा है। इसीलिए उन चंद लोगों को दर्द है जो बार बार कहते हैं कि बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। एजेंसियों को बीजेपी ने फ्रीडम दिया है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ 25 करोड़ पीपल, ये है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रमेश बिधूड़ी, हम आप न्यूज़ 1 इंडिया पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया।